हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इंसेंट ब्यूटी। आई एम देयर, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इजी नो फाउंडेशन मेकअप लुक। आई नो बहुत सारे लोगों को हैवी लुक मतलब हैवी ब्रश या फाउंडेशन वेयर करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब फेस्टिव सीजन में आप डेली घूमने निकले हो। इन दैट केस आप फाउंडेशन या हैवी ब्रश को स्किप कर सकते हो एंड स्टिल यू लुक अमेजिंग। सो फॉर द एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने स्किन केयर कर लिया है, नाउ आई एम अप्लाइंग कंसीलर। सो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलर चूज़ करें। मैं अपने अंडर आई और जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वहाँ मैं कंसीलर को एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंडर पे जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उसे मैं अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आई एम यूजिंग दिस मेबलिन एलिस प्लस ओलिविया लिमिटेड एडिशन क्रीमी मैट लिपस्टिक। इसका शेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट या ब्राइट कलर में अच्छा नहीं लगता, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस शेड। ये एक न्यूड मॉवी शेड है, आप कोई चिकटिंट भी यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान में रखना कि आप जब कोई लिपस्टिक एज अ ब्लश यूज़ कर रहे हो तो आप पहले उसे अपने बैक हैंड पे रब करके देन उसे थोड़ा थोड़ा सा फिंगर टिप या कोई ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे बिल्डअप करें। डायरेक्टली आप अपने चीक पे अप्लाई मत करें, नहीं तो आप एक क्लाउन या बंदर की तरह लग सकते हो। देन आई एम डूइंग क्रीम कॉन्टोर, उसके लिए मैं इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आई क्वाइट लाइक दिस पैलेट, इट्स क्वाइट गुड। इसका जो ऑरेंज करेक्टर एंड येलो करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। एक्चुअली सारे ही कलर्स करेक्टर ही पिगमेंटेड है, एक्सेप्शनली ये डार्क कॉन्टोर शेड। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होगा, बट ये उतना पिगमेंटेड नहीं है। ये लाइट मेकअप के लिए अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। देन मैं अपने नोज को भी थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेट एंड वाइल्ड ब्राउ किट। इट्स एन अमेजिंग पैलेट। नेक्स्ट मैं एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, स्पेशली टी जोन पे, दैट्स व्हाई आई एम सेटिंग माय मेकअप। देन मैं काजल की हेल्प से अपने आईज पे एक थिन लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एकदम लैश लाइन के पास, और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसे थोड़ा सा स्मच करूँगी ताकि एक स्मोकी सा इफेक्ट मिले। एक ट्रिक बता देती हूँ, आप आईलाइनर अप्लाई करो या ना करो, अगर आप अपने अपर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करेंगे तो आपका आईज कंपैरेटिवली बिग लगेगा। देन मैं अपने अंडर वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई कर रही हूँ और उसे भी एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से स्मच करेंगे ताकि एक स्मोकी सा इफेक्ट मिले। नेक्स्ट अपने आई लैशेज को वॉल्यूम एंड लेंथन करने के लिए मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया है वो सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं।
For some glow, I am using the Sugar Ka Contour D4 Face Palette in the shade of 02 Vivid Victory. इसका pigmentation amazing है. ये बहुत अच्छा एक palette है. इसमें आप contour shade मिलता है, एक blush मिलता है और एक highlighter मिलता है. And तीनों का ही pigmentation is really really awesome. मैं अपने चीक बोन पे हाइलाइटर अप्लाई किया है, देन थोड़ा सा फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, देन क्यूपिड बो पे एंड लास्टली एक स्मॉल टिप की ब्रश की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को भी हाइलाइट करूँगी. लास्टली आई एम अप्लाइंग दिस ब्राइट पिंक शेड. आप अगर कोई भी ब्राइट कलर का लिपस्टिक वेयर करोगे देन यू लुक अमेजिंग विदाउट एनी मेकअप. एनी शॉर्ट ऑफ ब्राइट लिपस्टिक लुक्स अमेजिंग ऑन इंडियन स्किन टोन. तो अगर आप मेकअप वेयर ना भी करें स्टिल यू लुक अमेजिंग विथ एनी ब्राइट लिप शेड्स. तो दिस इज़ माई फाइनल लुक. मैंने इस ब्लू कुर्ता के साथ एक गोल्डन झुमका वेयर किया हुआ है एंड साथ में एक छोटा सा बिंदी. And my look is completed. I really love this look. So, ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा से ही पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना. फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना. ऑल्सो मेरे चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को क्लिक करके जाना ताकि मेरी अगली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल.